आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ Welcome to DoubtNet. So let's start the question. The question is saying which of the following during hydrolysis gives an acidic solution in water? सो इस क्वेश्चन में हमें कहा गए चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हाइड्रोलिसिस पे एसिडिक सॉल्यूशन देता है वाटर में ठीक है तो अगर हम फर्स्ट वाले को देखें इट इज के एन ओ थ्री सो जो के एन ओ थ्री है वो हमारा मिक्स सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का और क्या क्या है इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है एच एन ओ थ्री और जो स्ट्रोंग बेस है वो होगा के ओ एच ठीक है तो इसमें दोनों ही डोमिनेटिंग है मतलब दोनों ही स्ट्रोंग है एसिड भी और बेस भी तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएगा बॉटल में ठीक है अब हम सेकेंड ऑप्शन पर मूव करते हैं इट इज सेंग एन एच फोर सी एल तो अगर एन एच फोर को देखें एन एच फोर सी एल को देखें तो ये मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का ठीक है अब इसमें स्ट्रोंग एसिड कौन सा है एच सी एल और इसमें जो वीक बेस है वो क्या है एन एच फोर ओ एच एन एच फोर ओ एच तो यहाँ पे अगर हम देखें ये वीक है ये स्ट्रांग है तो यहाँ पे स्ट्रांग एसिड डोमिनेट कर जाएगा और हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल के आएगा इट वुड बी एसिडिक ठीक है तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा एसिडिक सॉल्यूशन ठीक है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं टी सिंग एन एच फोर का होल्ड वाई सी ओ थ्री तो ये अगर हम देखें ये वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है ठीक है इसमें वीक एसिड कौन सा है एच टू सी ओ थ्री और वीक बेस कौन सा है एन एच फोर ओ एच ठीक है तो यहाँ पे दोनों ही वीक है तो और लेस इसका पी एच में क्या होगा न्यूट्रल होगा न्यूट्रल अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं विच इज कि के सी एल ठीक है के सी एल को अगर हम देखें तो ये हमारा मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है यहाँ पे एच सी एल और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है के ओ एच ठीक है तो क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रोंग है तो अगेन ये वाला मिक्सचर भी हमारा मोरलेस कैसा होगा न्यूट्रल होगा न्यूट्रल और फर्स्ट ऑप्शन में भी मोर लेस न्यूट्रल सो इस तरह से हमें बताना था एसिडिक सॉल्यूशन तो वो हमें देखने के लिए मिला सिर्फ सेकंड ऑप्शन में सो so, जो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन टू विच इज संग एन एच वो सी एल सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन थैंक यू क्लास टू ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी चाहिए मीनस और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें करिए डाउटा या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर